हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन योर ओन चैनल डाउट बस्टर। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सेकंड सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइंड बाय, एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया, नंबर वन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेकंड एडवर्ड जेनर, थर्ड लुईस पाश्चर, फोर्थ सेल्मन वॉक्समैन। तो इसका आंसर है सेल्मन वॉक्समैन। सेल्मन वॉक्समैन इज द राइट आंसर। इन्होंने एंटीबायोटिक टर्म को कॉइन किया था। सेकंड क्वेश्चन, प्रोटियोग्लाइकैंस आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स इन, प्रोटियोग्लाइकैंस प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है। ऑप्शंस आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, रिकेट्सिया या क्रिमियोहेलिमिन्स। तो इसमें आंसर होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट्स होता है प्रोटियोग्लाइकैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस क्या कॉज करता है, कौन सी प्रॉब्लम एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस कॉज करता है प्लांट्स में। ऑप्शंस हैं रूट रॉट, रूट प्रोलिफरेशन, ट्यूमर फॉर्मेशन या नोड्यूल फॉर्मेशन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा रूट प्रोलिफरेशन। रूट प्रोलिफरेशन मूल बहुप्रजता कराता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम स्टेनिंग में हम कौन सा स्टेन यूज करते हैं निम्न में से। स्टेन्स यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज, ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, एनिलीन ब्लू, कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट एंड ट्राइपेन ब्लू। इसका करेक्ट आंसर है सी, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट एक बेसिक डाई होती है जो कि पर्पल कलर की होती है। ये प्राइमरी स्टेन होती है ग्राम स्टेनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग किससे कॉज होती है। चार बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं, नंबर वन बैसिलस मेगाथीरियम, नंबर टू क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, नंबर थ्री स्क्रीशिया कोलाई, नंबर फोर सेल्मोनेला टाइफी। द करेक्ट आंसर इज क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम की वजह से फूड पॉइजनिंग कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलीफेज 5X174 बैक्टीरियोफाज के पास में किस तरह का डीएनए पाया जाता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो करेक्ट आंसर इसका है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो कॉलीफेज 5X174 बैक्टीरियोफेज होते हैं उनका जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, निम्न में से कौन से बैक्टीरिया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसर्स हैं। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या नन ऑफ द एबव। इसमें आंसर होगा एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसके अलावा कुछ और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम, एनाबीना या नॉस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिथाइनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप, मिथाइनोजेनिक बैक्टीरिया किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नंबर एक आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, नंबर बी थर्ड यू बैक्टीरिया और फोर्थ राइजो बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर इसमें होगा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि टफ कंडीशंस में, बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें आर्की बैक्टीरिया के कैटेगरी में आता है मिथाइनोजेनिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनएरोबिक बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनएरोबिक बैक्टीरियम। एनएरोबिक पूछ रहा है, एनएरोबिक बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम और राइजोबियम। इसका करेक्ट आंसर होगा क्लॉस्ट्रीडियम। क्या आंसर होगा इसका सही, क्लॉस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका भी आंसर एजोटोबैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया बियरिंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजेला ऑन बोथ द पोल्स आर कॉल्ड, जीवाणु जिसके दोनों सिरों पर एक गुच्छ में कशाभिकाएं पाई जाती हैं उनको कहा जाता है। तो जिन बैक्टीरिया के दोनों एंड्स पर फ्लैजेला पाए जाते हैं ग्रुप में, गुच्छों में, उनको हम कहते हैं सी एम्फीट्राइकस। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एट्राइकस, पेरीट्राइकस, एम्फीट्राइकस और लोफोट्राइकस, तो इसमें से करेक्ट आंसर है एम्फीट्राइकस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं का अनुवांशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता। ऑप्शन आर फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, यूलोथ्रिक्स एंड स्यूडोमोनास, तो इसका आंसर होगा स्यूडोमोनास। नेक्स्ट, ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर, ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनोकुलेशन के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ऑटोक्लेव एक स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट है, कैसा इक्विपमेंट है, एक स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट है, इसके हेल्प से मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है, ऑटोक्लेव एक मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल, निम्न में से कौन सा सेंटेंस बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, सेकेंड इट इज नॉट एंटीजेनिक, थर्ड इट गिव्स शेप टू द बैक्टीरिया सेल, फोर्थ इट डज नॉट हैव सेल्यूलोज, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। म्यूकोपेप्टाइड की लेयर बनी होती है। नेक्स्ट, इट इज नॉट एंटीजेनिक, ये स्टेटमेंट एकदम से रॉन्ग है, एंटीजेनिक होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल पैथोजन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुविक रोगजनक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स, येल्लो वेन मोजैक ऑफ भिंडी या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, तो इसका करेक्ट आंसर है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल बहुत ही कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है जो कि अक्सर एप्पल में और पियर्स में यानी कि पपीते में देखा जाता है, और ये डिजीज कॉज होती है बैक्टीरिया एरविनिया एमाइलोवोरा से। किस बैक्टीरिया से कॉज होती है ये डिजीज, कॉज होती है एरविनिया एमाइलोवोरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। चेचक, ये वायरस से होता है, रेबीज भी एक वायरल डिजीज है, मीजल्स इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस ये एक ऐसा डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ बायो इंसेक्टिसाइड, निम्न में से कौन सा बायो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस सबस्टिलिस, बैसिलस थुरिंजेनेसिस एंड बैसिलस ब्रेविस, तो करेक्ट आंसर है इसमें सी बैसिलस थुरिंजेनेसिस। बैसिलस थुरिंजेनेसिस इनसे बायो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है, स्पेशली कॉटन प्लांट पे, बीटी कॉटन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूटिलाइज्ड फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, स्यूडोमोनास पुटीडा, बी दिया गया है स्क्रीशिया कोलाई, थर्ड बैसिलस सबस्टिलिस, फोर्थ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस, तो इसमें करेक्ट आंसर है स्यूडोमोनास पुटीडा। स्यूडोमोनास पुटीडा एक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है और ये सॉयल में पाया जाता है, और इसको डेवलप किया था डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, और इसको कहा था सुपर बग। डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने इसको डेवलप किया था और इसको बोला था सुपर बग, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर बैक्टीरियम,
निम्न में से सल्फर बैक्टीरियम कौन सा है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, नाइट्रोसोमोनास, क्लॉस्ट्रीडियम एजोटोबैक्टर एंड बेगियाटोवा। तो इसमें सल्फर बैक्टीरियम कौन सा है? इसमें सल्फर बैक्टीरियम है बेगियाटोवा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का, टेटनस डिजीज इज कॉज्ड बाय, टेटनस रोग उत्पन्न होता है किस बैक्टीरिया से? टेटनस डिजीज कॉज होता है, ऑप्शंस हैं माइकोबैक्टीरियम, लेप्रे, सेल्मोनेला टाइफोसा, डिप्लोकोकस निमोनिया एंड क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। वर्ड टिटैनी से आप इस आंसर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से टेटनस रोग होता है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।